जय राम जी साहब खमा गणी। मैं हूं आप रो दोस्त ओपी नागल। लो सा कोक सही मंच माते मैं फिर हाजिर हूं वही एक प्रस्तुति लेर। तो प्रस्तुत है हमारी एक छोटी सी प्रस्तुति। देखो पहला भी मैं कही है और आज भी कहवा कि आज कल री जो दुनिया है नी आ इतनी भाग दौड़ रही है। लोग इतना भाग दौड़ में लापुड़ा है कि वाने आसन ने तो कही हाँ ले उन्हें टेम को नहीं। इतना काम में अड़ जुड़ा है कि लोग जो चैन है जो शांति है वह बिल्कुल है को नहीं। लोग पैर भाग दौड़ में लग रहा है। और कई तो मेड़ा भी देखे हैं जो डॉक्टर को जा दवाई लवे के साहब माने थोड़ी हंसवारी दवाई दो तो डॉक्टर हंसवारी तो कई दवाई दे तो हंसवारी दवाई तो नहीं लेकिन कोक्स एक ऐडो मार्ग अपनाए हुए और इन मार्ग के जरिए या इन कोक्स के जरिए मैं जो है आपने थोड़ा बहुत हंसा सका हंसी मजाक करी। आज जो प्रक्रिया है ये जो प्रोग्राम है वे आप तक धीरे धीरे मैं पहुंचा रहा हूं ताकि आपने जिन समय आप काम ज़्यादा थोड़ा बोर हो जाओ ज़्यादा अड़ जाओ काम में उन टाइम थोड़ा थोड़ो वो प्रोग्राम देख जो और जरूर मन विश्वास है कि आपने मानो जो प्रोग्राम है पसंद आवेला और पसंद कर आ जावे तो इन्हें एक बार लाइक कर जो सब्सक्राइब कर जो यदि मैं मानो कि वास्तव में आप मारो पूरा सहयोग कर रहे हो। तो लोसा अब प्रस्तुत करा आज रो प्रोग्राम। देखो जिंदगी में आपा उन्होंने याद करो जो या तो आपने परेशान करे या आपने बहुत ही ज्यादा सुख देवे। जो परेशानी की बात करा तो वे अंग्रेज गोरड़ा बेजद आया तो आपने घने परेशान किया। देखो अंग्रेज जिन टाइम आया था नहीं उन समय बारी हालत देखा तो वन जड़ा कोई हाई को नहीं यानी एक दो जना आया और आता में भाई पोटली लीवड़ी सामान है वो कहना पोटली बा पोटली ले और अपन राजा कने गया और राजा जी ने अरदास करी कि राजन मैं आप रे इन भारत में आया हूँ मारा थोड़ा बहुत कोई व्यापार करना है आप हमें आज्ञा दो। मतलब अंग्रेजी में बात करी वहाँ पर मारे कहने का मतलब बहुत जाओ राजा ने अर्ज करी जना अपने राजा जी तो दिलदार है बस किन्नी नाम नहीं जना मैंने कहे ठीक है करो व्यापार हमारा भारत बहुत बड़ा है यूं उठा को नहीं भारत बड़ो है लेकिन पूरे भारत में खा जाई पण भाई थी हो चुको नहीं। तो जना अंग्रेजों ने आज्ञा दे दी कि ठीक है करो व्यापार। अंग्रेज जिन टाइम अटे व्यापार शुरू कियो शुरू में थोड़ा जने आया पर अंग्रेज देखो इतना समझदार है कि वहाँ आप रो और लोगों की जो कमजोरी थी अपने राजाओं की जो वैमनस्य था राजाओं की जो आपस में लड़ाई झगड़ो देखता हुए और वहाँ वह होच ली कि राजा अगर आपस में लड़ जावे तो आप वहाँ जरूर फायदा उठा सका यानी फूट डालो राज करो वहाँ नीति अपना ली यानी एक राजा ने जान कह दियो कि भाई फलाना जो राजा है नहीं भाई थारी आड़ी बातें करे दूसरे ने जान कह दियो बस थाऊ का वही को नहीं ये थोड़ा तो यूं कहता था तो यूं कर पर आपस में जो है राजाओं ने लड़ाना शुरू कर दिया। तो इन वजह बारी जो नीति फूट डालो और राज करो और धीरे धीरे आपने राजाओं ने वहाँ लड़ाना शुरू कर दिया और धीरे यूं करता करता इन भारत ने माते वहाँ आप अधिकार कर लियो जना कहे कि छाछ ने आई छाडारी धनियाणी बन गई तो अंग्रेज एडू करियो मैं आया तो व्यापार करने और मौको देख और पूरे भारत ने माते अधिकार कर लियो। पछे धीरे धीरे माने एडो अभियान चलाया आंदोलन कियो और माने आपने जो एडा कई देश प्रेमी हा बैठ शहीद हो गया वहाँ अंग्रेजों निकालने वास्ते मैं आपकी कुर्बानियाँ दे दी और आपने भारत ने जो अंग्रेजों आज़ाद करे। अब आज़ाद होने के बाद में भी अंग्रेज आज भी टावे पर आज तो वे ठीक है पर्यटन बन आवे सिर्फ देखने वास्ते आवे। अब यूँ कर पर अंग्रेज बैठे आवता तो वह अंग्रेजा री एक बात मैंने याद आई। एक बार आपने एरिया में गर्मी का दिन है बहुत अंग्रेज आप सड़क सड़क जाओ था क्योंकि वहाँ ने भी थोड़ा बहुत कद हालन टाइम मिलता तो वह सड़क सड़क जाओ था कने देखियो एक ढाणी जना भी ढाणी मैंने जो बाल जो झोंपो है नी जगह ने आप कुडाल तो बिन ने मैं आप रे मारा बुढ़ा बादशाह को बैठा तो देखो सा ढाणी में भी अलग अलग जो जो जैसे है ना मकान घर में मकान में अलग अलग कमरा बनाने वाला अलग अलग नाम है जो ढाणी में भी कुडाल नाम तो वह क्या वो कुडाल नाम है वो की कर पड़े बिन वास्ते यूं कर वो जो अंग्रेज है नी अंग्रेज आप कुडाल धके जाना पैदल चलता चलता कने जो ढाणी बिन ने कने गया ढाणी कने गया तो ढाणी में बूढ़े बाबा जी बैठा बारे जो कुडाल है
खुद आलम बेटा देखो कि जो हम लोग घर में तो घर में मकान में अलग अलग नाम है कि भाई एक तो हमारे बेडरूम अलग है, बिन रसोई घर अलग है और स्टोर रूम अलग है, तो उन्हीं ढाणी में भी जो है जो झुंपा बनो है ना झुंपा अलग अलग नाम है जो बारे में बैठो मिलने के कुडाल और गांव में तो कहें ढाली और डेली यूँ ढाणियों में जो है झुंपा है वो कुडाल है और एक वह हेदियाड़ो हे तो मतलब रसोई के बिन मतलब खाना बनाने भी बने या और भी अलग अलग झुंपा है। अब हमें भी एक देखो जो दोहन राखण है वो है कणारो, तो कहने मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाला टाइम में शायद ही किन्हीं ध्यान रहे, तो इन आपने इन छुटकुलर मध्यम बताने में और एक भी कारण और भी हो सके कि कई जो ध्यान नहीं है नहीं बने के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए कि कुडाल कहीं वे कणारो कहीं या हेदियाड़ो कहीं वे, तो कहने मतलब वही है थोड़ा नॉलेज भी बढ़े आपने। तो अंग्रेज है जब वो गए देखे तो भाई बाबू बेटा कुडाल मो और अंग्रेज जा रो बने क्यों अंग्रेजों नियम है सर के देखो अंग्रेजों ऐसा कई नियम है जो कभी ऑफिस हो तो ऑफिस में जाने में पहले अनुमति लेनी पड़े आना अपना हाथी तो अनपढ़ वही सीधा ही पकड़िया पैर मुँह जाए प्रकटी या और भी कटी जानो बिना पूछे जावे, लेकिन मारा जो नियम होता कड़क ऑफिस आके जान पूछता मैं आई कम इन, तो अंग्रेज देखे भाई और इतना नियम होता पहले जो बाबू बेटा कुड़ा ले अंग्रेज बिना जो गेट वे दरवाजे पर नमाज जानू बा और बाबे ने क्यों मैं आई कम इन, बाबू क्यों बोले कहीं तो के कौन है कम इन जैसे छोरों करने बैठे थोड़े बहुत स्कूल जाते उन्हें ध्यान आता कि नाना बाबा वो कह मैं आऊँ हूँ कि मैं स्कूल में जा रही हूँ कहूँ सर नहीं कहूँ, तो बाबू के ठीक है आओ भाई बैठ जनो बैठो बड़े अंग्रेज। तो आपने देखो पहला पहला परंपरा है कि कोई भी जो मेहमान आता नहीं बानो मान सम्मान बने आदर सत्कार देना, वह आज टाइम ठीक है अलग है आज तो मेहमान देखने अरे अरे गेट बंद कर आपने घरे आए यू कर, लेकिन पहले काफ़ी दूर जो आवता देखता नहीं तो भी उन्हें बुलाता कहो भाई साहब आओ रखे चाय पानी करा, तो एक दूसरे ने देखने बहुत ही राजी होता, तो भाई अंग्रेज आए बैठो अंग्रेज बिना पानी वानी पिलाए ठंडो और थोड़ी बहुत क्योंकि गर्मी फिर भी जो कुंडाल भी आड़ो सजे बिना ठंडो थोड़ी बहुत अंग्रेज ने हवा आई जब अंग्रेज देखियो बारह बजना तो बहुत ही परेशान होता था हाँ वोट थोड़ी बहुत उन्हें राहत मिली बहुत ही शांति मिली जन अंग्रेज बैठ बैठ गया हो वेरी फाइन बहुत बढ़िया लगो इन्हें जन बढ़िया लगो जो बिना आपकी भाषा में कह दियो गुड हॉल दिस इज गुड हॉल जन बाबू के ओके के कुडाल कुडाल, तो बिन दिन जो नाम रख दियो कुडाल और पहला तो कहते ये कि झोंपड़ो झोंपड़ो, लेकिन जिन बिना अंग्रेज कह दियो कि गुड हॉल बिन दिन वो नाम रख दियो गुड कुडाल, जिनों के कोई कुडाल कहे ना कोई गुडाल भी कहे तो वो नाम उन दिन पड़े कुडाल। ठीक है हमें अंग्रेज थोड़ी देर बैठे रेस्ट करी रेस्ट कर पूरी नाटू बारे गयो पाछ वो बिनी रोड पड़ो थोड़ो सो आगे गयो तो वोट एक पौनी की नाडी आई नाडी पूरी दबा दब भरेड़ी, तो नाडी भरोड़ी और बिन नाडी रे कने जे बाबू आया आप एवड़ ले एवड़ ने पावन आया अब बाबे कहीं करो कि एवड़ी पियो ना आप जाप रो बिन नाडी रे कोठी में जाप रहा और चलो भर ने पानी पियो, अंग्रेज देख के वॉट वाटर वाटर अंग्रेज ने देखी बिन तर लगड़ी बिन अंग्रेज जाप रो देखे वहीं थोड़ी ट्राई करो, तो अंग्रेज जाप रो बाबे रे जोर जो गुडाली होपरो पानी पीवन ढुको एक चलो भलियो दूजो नमी जो गड्ढा माँ डेढ़ को कूदी जी माँ पड़ गया माँ पड़ियो एक दिन पास माँ पड़ते वो तड़फन ढुको बाबू कने बाबा भी देखे वो कहो जीवड़ो कि वो धोड़ी मगर में चाहे कहीं है कि बाबा देखो नहीं अंग्रेज घना मिलो नहीं बाबू माँ तड़फे जोरदार बाबू के ओहो और मगर में से आयो कट ऊपर पड़े ओके तो आयो देखता देखता तो मठ मगर में चाहे तो मरे बाबड़ो यूं कर बिने झाल पर बाबे पग बढ़ा कोटी माते अन बारे काट दियो बारे काटियो थोड़ी बिने राहत मिली पास क्या ओहो थैंक यू बाबू के मने के थैंक यू काटियो अरे मोटी मेहनत कर मैं थे बाहर निकले थू के थैंक यू काटियो जालपुर पाछ धोखो दे दियो मगे जाते रहे तो वाले मोह पड़ियो वाले वो तड़फे हाउ हाउ करे बाबू करे है तू जीवड़ो है जड़ी बाबड़ो दुखी हुए मरे और हमारी ओको देखे मरे जरूर तो खोटी हुए एडो भगवान वार नहीं करावे जनो बिन जालपुर पाछ वाले एक बार निकाल दियो बाहर निकाले थोड़ी सी बैठो ना भाई पास बाबे ने कह थैंक यू बाबू के तो वाले कह थैंक यू काटियो थे मन बारी क्यों निकालियो जनो बाबे जालपुर पासो धकल दी थी वो बड़े पानी में जीते में बाबे रे हाथे उन दिन छुट्टी तो बाबे रो पोतो वो कने कने स्कूल जाओ तो वो पोतो हाथे जीते आयो पोते देखियो और बाबू करे कहीं तीसरी बार बड़े बोलियो तड़पण डुको बाबे जालपुर आपने निकालियो बारे बारे निकालियो बैठो थोड़ी देर यूँ कहें थोड़ा बोले जड़े वो पैसे कह थैंक यू बाबू कह रे मारे हूँ खोटी हूँ आप रेवड़ ले जात थाने खब मैं तीजी भी बारे निकालियो अजी थू कह थैंक यू काटियो तो तार है कि तो ले जातो रे मारे के करना
بابے اونسو کر پڑو جی گٹڑ کھڑا رکا جڑے پوتے کرے بابا رکو رکو تھے کرو کوئی تو کہ کرو متی کرو مہینے میں تیجی بار باہر نکالو پر جی مہینے باہر نکالو میں نے کہا تھینک یو کاٹو جڑو میں کہوں اپنے کرم کرنا پی میں مارے پاس تو کو دوں تو کہنا بابا وہ تھونے کے دھنیہ واد ہے تھونے تو کہ دھنیہ واد ہوئی کہ تو کہ انگریز ہے اور انگریزوں کی بھاشا میں تھینک یو مطلب ہے دھنیہ واد تھے وہ بڑھیا کام کرو ان واسطے تھن دیو دھنیہ واد بابو کہ تو ہاولی بولے وہ نے کہوں تو دھنیہ واد کے مان تو انگریزی آوے کون تو کہنے کا مطلب جکے نے جو چیز رو دھیان نہیں بنی ان ٹائم پر جڑی باتوں میں اور جاتے جاتے وہ بجاؤ نکل کے بارے تو یوں یوں انگریزی کی جب بات کرانی جنا ایک بھائی صاحب کہیں وہ کہ زیادہ بھائی پریٹک آئے نا انگریز بھائی جٹ زیادہ آئے وہاں لوگ کمائی بھی زیادہ ہوئے بٹ بڑے بڑے ہوٹلوں میں یا اور بھی کوئی سامان بیچے تو بھائی صاحب دوسرے دن تو ہوگل بھی نہیں کہ بھائی کہ میں بھی کیوں نہیں اڑی بڑی اکٹھے ہوٹل لگا دوں تمہارے بھی تھوڑی بہت گراہکی ہوئی انگریز مانے مطلب انگریز آئے تمہارے کمائی ہوئی تو یہ کو نہ چاہیے ہوٹل کھول بڑھیا ہوٹل کھول بیٹھا ہمیں بھی انگریز کیوں شروعات ہی کدی زیادہ انگریزوں کی باتوں میں آئے ہوگا نہیں کوئی انگریزی دھیان پڑے چاہیے ہوٹل لگے بیٹھو جیتے بھائی انگریز دو جن آیا گھومتا گھومتا دیکھے انہوں ہوٹل دیکھی بیٹھا بابڑا تھوڑی دیر ہمیں پنجاب رنگ بھائی رنگ بھی بٹے تبھی ان کے تو ہمیں وہ دیکھے کہ ہمیں جیون آڈر دے تو میں چائے بناؤں تو وہ دیکھی میں نے یوں کہ چائے بناؤ چائے تو انگریزی پہ تو انگریزی بولے جن وہ بھائی ابو ہو جیتے بھائی انگریز مان کے یہ لوگ مطلب آپری بھاشا میں نے کہو ٹو کپ ٹی ان لارے دیکھ کے رہے کہ مانے کون کے بولے وہ نیڈو آئے کہ کہوں ہے کہیں کہتے تو کہ ٹو کپ ٹی ٹو کپ ٹی بھی نہیں ایک دم جھال اٹھ کے مار ہوٹل ماری ہے نا وہ مانے کہ تو کپ ٹی چلو بس وہ پاس ری پر کہ کپ ٹی ہوئی تھارو باپ کپ ٹی ہوئی تھاری ماں کپ ٹی تھارے گھر ہوں کپ ٹی کی کرو ہو تو کہ ٹو کپ ٹی ارے ہوں کپ ٹی کی کرو ہوٹل ماری آیا تھے مارا ٹھہر مانے تو کپ ٹی کے یہ کن وہ لارے پڑے جھاڑو دن انگریز باہر نکال دیے بارے جیتے ان کو بہرو میں اگر تھے کرو کہیں تھے ہوٹل لگ گئی گھر کو لارے کیوں پڑو تو کہ میں وہ آئے ہوٹے مانے کہ چائے دے انہوں کہ وہ تو میں نے چائے پلا تو مان تو کہ تو کپ ٹی جڑو من رہی ہے تو کہ ارے تھانے کے ٹو کپ ٹی مطلب دو کپ چائے دو جنا ہے تو تھانے کے دو کپ چائے مانگی تو کہہ رہے منہ کہ تو تھانے کہ تو انگریزی تھے ہوٹل لگ گئی ہے کموں کم انگریزی آنی چاہیے پچھے جا پر پاس مار گلے پڑے اور وہاں پکڑن پچھا لایا بٹھایا اور چائے پلائی بانے یہ کن میں خوش ہوا تو کہنے کا مطلب جو چیز رو کدی بھی دھیان نہیں ہوئے نالج نہیں بنی جنا ہے باتوں تھوڑی تھوڑی یہ ہو جائے اب نالج کی جو بات کروں تو میں بھی تو ایک بار بس اسٹینڈ میں دیکھو اٹھ کھڑو بس اسٹینڈ میں جتنے میں کوئی بھائی صاحب آیا ہمارے کنے تو بھائی صاحب دیکھ بھائی ایٹر ہے جو ہوئی یا لوکل آدمی ہے کی گڑ ہے جو بھی دکاندار ہوئی میں نے کہ بھائی صاحب کہ باڈ میری بس کڑو آئی یوں کن میں بولوں کن پاچھو میں نے کہ بھائی صاحب باڈ میری بس کڑو آئی کتنے بجے آئی کروں آئی ہمیں دیکھو کہ شروع تھی ہوئی صبح میں کہ کنے بھی جو ہے کھارو جواب نہیں دینا پریموں بتنا جن مہمان کیا کہ مار آئے صاحب دس منٹ رکو آپ تو ٹھیک ہے یوں کہ دس منٹ رکا پاچھو میں نے کہ بھائی صاحب باڈ میری بس کڑو آئی میں بس ابار آن والی دس منٹ رکو یوں کرتے کرتے وہ پاچھو آئے ہمارے کہنے کہ باڈ میری بس آئی تو کو نہیں دس منٹ کہتے ہیں میں بھائی نہیں دبا رہا جی جیتے ہم تھوڑی دیر ہوں بس آئی بس آئی ان جی بس آن رکی پاچھو آئے وہ ہمارے کہنے کہ بھائی صاحب آ لوکل ہے ایکسپریس ہے ابھی میں نے اوبے اوبے نے جھاڑ میں کہ یار میں نہیں تو کوئی بس ہوں کنڈکٹر ہوں نہیں ڈرائیور ہوں نہیں کوئی دکاندار ہوں اب تھوڑی دیر واسطے اوبو نو مانے پوچھے گھڑی گھڑی پہلے تو کہ بس کہنا آئی ہمیں کہ بس لوکل لے کے ایکسپریس ہے ابھی وعدے تو اپنے دھیان ہی آپ نے کہ جواب دینا میٹھو دینا کہ نہیں ناراض تو کرنا نہیں جڑا میں بھائی او کہو میں کہ بس آپ یوں کرو جانا بس میں بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے تو بس میں بیٹھو بس روانہ ہوئی تو بس جنا رکتی رکتی جاوے تو آپ سمجھ لیجیے کہ لوکل ہے اور نہیں رکے کٹی سیدھی باڑ میں جان رکے تو آ ایکسپریس ہے بھی کوئی کام ہی نہیں جنہیں کنے بابا نے کہ بھائی ہنسیا کہ بابا جواب تو ٹھیک دیو تو میں کہ یوں ہے سا جو جڑو پوچھے میں نے وہ جواب دینا پڑے کہ نہیں ناراض نہیں کرنا تو یہ باتیں ہیں اور کدی بھی اڑی ہو جاوے تو بول والا پورا دھیان رکھنا زبان مانتے نینترن ہمیشہ میٹھا بولو صحیح جواب دو ہمیں دیکھو بس ری جانا بات کروں تو بس ری ایک اور بات یاد ہے میں نے ایک بار کہیں وہ کہ بالوت رہے ہوں دو تین آدمی چھڑیا بس میں یہ اپنے ٹاوے میں کلر کرنے دو جب باہر لگو آدمی آئی یو پی سے تو میں بالوت رہے چھڑیا بس میں اور جو ہی بس ٹاپ رہا کالوڑی اور بھونکا کرنے آئی تو کنیکٹر ہے جو آواز لگائی کہ بھونکا ہو جائے اتر جاؤ بھونکا ہو جائے اتر جاؤ
नहीं तो आवा लगे भाई भूंका स्टेशन है जो आप उतर जाओ वहाँ पूर्व वन नॉलेज हो मतलब भाषा पूरी आवे को नहीं थोड़ी थोड़ी आवाज़ थोड़ी करी क्या कह रहा है तो ये कह रहे हैं कि जो भूखे है वो उतर जाओ कि जो भूख मतलब ये कह रहा है जो भूखे है वो उतर जाओ यार खाने की व्यवस्था है तो उतरो यार जल्दी अपने क्या उतार रहे खुद अपने आप खाना खिलाएंगे यही करण भाई जो बस रुकी उन्होंने कह दी भाई भूखा हो जी उतर जाओ मतलब जो भूखा की वो कह रहे उन्होंने कह रहे मतलब भूखा रही जो सवारी भाई बैठे उतर जाओ स्टेशन आए और भूखा आए पर उन्हें ध्यान नहीं कि भूखा स्टेशन है वहाँ उन्होंने कि भूखा हो जाए उतर जाओ मतलब जिसको भूख लगी है वो उतर जाओ नीचे तीन जना हाँ भाई उतर गया नीचे नीचे उतर पुरान जितने में बस तो होगी बटू रवाना बस साला देखो किराए हिंद्र दियो भूखे उतरे कोई काम वेला यूँ कर रवाना हुआ पड़ जान गयो कोई भाई साहब कहाँ है खाने की व्यवस्था कहाँ है तो कि खाने की व्यवस्था तो यहाँ कहाँ है ही नहीं तो कि बस वाले ने बोला ना कि जो भूखा हो जाए उतर जाओ तो कह रहे भाई साहब उन्हें स्टेशन का नाम भूखा है इसलिए उसने कहा होगा कि जो भूखा है मतलब भूखा स्टेशन के वो उतर जाओ तो कह यार हमें क्या पता हम तो भूखे थे रात को खाया था हमने तो हमने देखा हमारे खाने की व्यवस्था है इसलिए हम तो उतर गए तो यूँ कर बने पास दूसरी गाड़ी में चढ़ान बैठा है तो कहने के मतलब जाने थोड़ा कम नॉलेज है वे यूँ भी करें और एक बार और यूँ हुई कि दो जना नवा नवा पनी जुड़ा बालोत्र मई आवे उन भाई चढ़िया बस में अब मैं बैठो मैं लाल सीट में बैठा दो ही नवा नवा बातें करे यूँ करते करते जो ही वही बात भूखा की बात करूँ सर भूखा स्टेशन आयो तो कनेक्टर है आवाज लगाई कि हिणंद्री आ जाओ हिणंद्री हिणंद्री मतलब जो सिणंद्री यूँ कहो जो सवारी नीचे खड़ी बांधे कहो हिणंद्री हो जाए कि आवाज मतलब बस में अंदर आ जाओ मैं आ जाओ तो वह नवा नवा बातों में ध्यान दियो को नहीं उन्होंने कहो कि हिणंद्री हो जाए आ जाओ सिणंद्री मतलब नीचे बने आवाज लगाई वे बातों में लगड़ा वहाँ दे कहो हिणंद्री आई रही यूँ कह तो ले ले उठो उठो जल्दी उठो फटाफट आप ले थे भूखा में उतर गया मैं बने देखे उतरे बटे फोटो उतरे नीचे नीचे उतर बने कह सा जालो छोरा कटे बस स्टैंड कटे मैं तो कटे जालो छोरा फोटो ने हेजो गई है तो क्यों हिणंद्री को नहीं तो हिणंद्री हजी थोड़ा धके तो मैंने बस साल कहो हिणंद्री आ जाओ हिणंद्री तो बस साल तो कहो नीचे बने बने कहो हिणंद्री हो जाए आ जाओ मतलब अंदर आ जाओ तो यूँ कर यूँ कर आदमी थोड़ी देर रुके उठे और पाछा दूजी बस में चढ़ने आया हिणंद्री तो जो ही पाछा आया हिणंद्री और पाछे जोग संजोग अड़ो हुआ कि शाम को जो 7 बजे वाली बस है उन्हीं बस में मैं भी चढ़ियो पादरी बस और वह भी दो जना बिनी बस में चढ़िया और जो ही चढ़िया बस रे मैंने तो मैं देखियो वो और वो जोड़ो बैठो और मैं भी उन्हें आगे बैठो जितने मैं उन्हें देखने थोड़ा सा मैं इशारा किया सिणंद्री आ जाओ सिणंद्री यूँ करे अनुभव बस मातु नीचे कर लिया कहीं आदमी पूरा ध्यान है तो कहने मतलब कभी कभी एड़ी हो जाए तो ये बातें ऐडी होती रहे जिंदगी में और भी एडी कई बातें हैं तो देखो साहब घो टाइम आप नहीं लेना चाहूँ तो आज ये जो हास्य चुटकला है आज इतनी और फिर जब आपने अगली मुलाकात हुए और ऐडा कई बड़े बड़े चुटकला आपने जरूर लावला तो आपने आज इन चुटकला प्रति हमारा पहला जो भी कोक्सरा जो भाग्य माने प्रति एक ही रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें जरूर लाइक कर जो सब्सक्राइब कर जो और जो बेल आइकन दिखे नहीं वो तो आपने बजाना हुई और इनने हाथे आते आप इन माते कमेंट करता रहो माने सुझाव देवो कई कमियाँ रही और भी कई करना चाहो आप और भी उन्हें कड़ा कड़ा परिवर्तन करना है इन वास्ते आप हमें सुझाव देता रहो सहयोग करता रहो और भी आप इन कोक्स के जरिए आप तक मैं जुड़ उड़ा रहा और इन वास्ते आपने बहुत बहुत धन्यवाद जय भारत जय हिंद सर।